बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पांच बड़ी ख़बरें हैं, वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले आपको बताते हैं, उमल कवीन में जो है वो ट्रैफिक की जो 50% डिस्काउंट रखा हुआ था कि अगर आप पे करते हैं, उमल कवीन जो वहाँ की रियासत है, वहाँ पे आपको 50% ट्रैफिक के जो जुर्माने थे उसमें माफ़ कर दिया जाता था। आज लास्ट डे है। दूसरा ये कि एक्सपो 2020 शुरू हो रहा है, 20 दिन के बाद 19 से 20 दिन रह गए। उनके लिए अगर पूरी दुनिया से कोई उसमें शामिल होना चाहता है तो उनकी एम्बेसी से 20 दिरहम का जो है वो पासपोर्ट बनवा सकते हैं, सिर्फ एक्सपो का। 180 दिन उसकी वैलिडिटी होगी, 180 20 दिरहम का बनेगा। और ये आपको यादगिरी के लिए कि आप ये अलहदा सा पासपोर्ट ले कर ट्रैवल किया था आपने, तो ये है कि दुबई के लिए आप लोग एक्सपो 2020 के लिए एक नया पासपोर्ट जारी कर दिया गया। कोई भी ले सकता है, किसी कंट्री से भी ले सकता है 20 दिरहम में। और ये याद दहानी के लिए कि आप एक्सपो में शामिल हुए थे इस पासपोर्ट में। तीसरी खबर ये है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब के लिए परवाज़ें शुरू कर दी हैं। अब वहाँ पे डेली जो है वो तकरीबन 24 फ्लाइटें हफ्ते में भी चलेंगी। वो मदीना शरीफ, मक्का, जद्दा, रियाद, सब जगह पर फ्लाइटें अब एमिरेट्स एयरलाइन भी बहाल कर दिए। चौथी खबर यह है कि अगर आप लोग दुबई में काम करते थे पार्ट टाइम, आप लोगों ने जॉब करनी थी तो पार्ट टाइम जो है आपको वहाँ से पहली कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आप लोगों को परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, अब आप लोग बग़ैर परमिशन के अब आप लोग जो है वो अब जा सकते हैं वहाँ पे, कोई नई कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। नई कंपनी जॉब करने के लिए पहली कंपनी से आपको इजाज़त अब नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ की वजारत से इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिसकी जो फ़ीस है 100 दिरहम से लेके 500 दिरहम तक फ़ीस है, वो पे करेंगे तो फिर आपको इजाज़त मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त अपडेट थी, मैंने कहा आप शेयर करो, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।